रिश्तों को मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पांव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह वे फरा नई सुबह रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद आप सब लोगों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो घर पे बैठे हुए हमें देख रहे हैं। एक चीज मैंने खास तौर पर रिक्वेस्ट करनी है और वो ये जो हम लोग कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। आजकल आपने सुना होगा कि मच्छरों का मौसम है ना, और ये जब तक थोड़ा सा ये ट्रांजिशन का फेज है कि मौसम बदलता नहीं है तब तक हमें जरा एहतियात ज्यादा करनी है। प्लीज आप जब भी घर से बाहर जाएं तो कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर ऐसा शाम का वक्त है जब घर से बाहर निकलना है, खाना खाने जा रहे हैं, बैठे हुए हैं कहीं खुली जगह है, एक तो पूरे आस्तीनों वाले हम कोशिश करें कि कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जो जिस्म को जहाँ पे ना कोई भी चीज़ हमें काट ना सके, एक कवर हमारे ऊपर होता है अगर हमने लिबास ऐसा पहना हुआ हो। और उसके अलावा जैसे बहुत सारी खवातीन इसलिए हम लोग डरते हैं कि हमें सूट नहीं करता कोई केमिकल, लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगा सकते ना, लीमू सिंपली लेकर और वो अच्छी तरह से हम अपने, हाँ हंसने की बात नहीं है, आप ट्राई करके देखना, लीमू जो है आपने भले उसका वो आप जूस बना के पी लें, लीमू की स्कंजबीन बना के पी लें, वो भी इस मौसम में बहुत अच्छी है। और बाकी जो है उसको आप अच्छी तरह से अपने जिस्म के ऊपर रब कर लेंगे, मच्छर नहीं काटते। छोटे जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, बहुत छोटे हैं, जो अपनी उंगलियाँ चूसते हैं, हाथ चूसते हैं, और आपको डर है कि अगर आपने उनके ऊपर कुछ ऐसा लगाया तो ये ना हो कि वो केमिकल मुँह में चला जाए, उनके ऊपर भी अगर आप उनके हाथों के ऊपर भी रगड़ देंगे मच्छर भी नहीं काटेंगे, वो हेल्दी भी रहेंगे। सो बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में ना ज़रा विजिलेंट रहना ज़रूरी होता है। और छोटी छोटी सी ये परहेज़ और एहतियात जो है ये हमें बहुत सारे मसलों से बचा लेती है। ये परहेज़ और एहतियात जो है ये ज़िंदगी का एक, जिसे कहते हैं एक आपका रवैया है, और ये रवैया जिस इंसान के अंदर हो ना वो मार कम ही खाता है। सो आजकल के मौसम में ख़ास तौर पर बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल्स हर एक जो है वहाँ पे स्प्रेज हुए हों, मच्छर अमूमन तारीकी में बहुत सारी ऐसी जगहों पे छुप के बैठ जाते हैं, अंडे बच्चे देते हैं, अगर पानी खड़े हों तो जब पानी घर में खड़ा है, साफ पानी है भले, उसके बारे में एहतियात कीजिए, अपने बच्चों के बारे में ज़रा ज़्यादा एहतियात कीजिए। अभी भी अगर निकल गए हैं स्कूल के लिए तो ठीक है, हिफाजत की दुआएँ पढ़ने के साथ साथ कोशिश करें आजकल जब वो निकल रहे हैं तो लीमू आजकल सीज़न में है, उसके छिलकों के साथ ज़रूर हल्का हल्का रब कर दें, प्रेग्नेंट भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। एक माँ होने की हैसियत से मैं चाह रही थी कि मैं सारी माओं के साथ ज़रूर ये बात शेयर करूँ। अच्छा, दूसरा एक और ना, जब आप कोई भी औरत जो है वो मुकम्मल होती है जब माँ बनती है, इसलिए कि माँ और ममता जो है ये जेंडर में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ माँ ही माँ होती है, ये एक फीलिंग है। अगर किसी के भी अंदर हो तो उसे हम कहते हैं कि ये बाप बहुत शफीक है, अगर वो माँ जो है वो नरम और रहम दिल और एहसास करने वाली है तो हम कहते हैं इसमें ममता बहुत ज़्यादा है। ये एक ही तरह की फीलिंग्स है जो कि मुख्तलिफ जेंडर्स में जाके हमने उसे नाम फ़र्क दे दिए हुए हैं। जो हमारे हीरोज़ हैं आज हमने उनको याद करना है। हमारे हीरोज़ जो है ना वो ज़िंदगी में दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। मौसम कैसा भी क्यों ना हो, कितनी गर्मी क्यों ना हो, कितनी सर्दी क्यों ना हो, कितनी बारिश क्यों ना हो रही हो, कितना तूफान क्यों ना आया हो, आपने देखा है कि अखबार कैसे एक टाइम पे हमारे पास पहुंचती है और हमने कभी एहसास भी नहीं किया होता कि हम जो कि छोटी छोटी बातों पे बहाने बनाते हैं, ये एक इंसान जो कि अगर आप सर्दी में निकले तो उसने कैसे ग्लव्स पहने होते हैं, कैसे कवर किया होता है, अगर इस गर्मी में निकले तो किस तरह से वो मौसम कोई चीज़ उसको नहीं रोकती और वो अपना काम जो है डेडिकेशन से करता है। दूध वाले हैं घरों में, ऐसे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइलेंटली अपने काम कर रहे हैं और वो हमारे हीरोज़ हैं, हम उन सबको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन इनसे बढ़कर ज़रा वो लोग हैं, और ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा रुतबे में बढ़कर, जो अपनी ज़िंदगियाँ और अपना तहफ़्फ़ुज़ अपने प्यारे जो हैं उनसे बढ़कर हमारा ख्याल करते हैं, हमारा एहसास करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें मुझ समेत बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आया, तकलीफ भी हुई पुलिस के किरदार पर, हमें लगा कि और भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें इतना सारा कुछ होता है बैक वक्त हर रोज़ कि इसमें अगर कहीं छोटी मोटी कुछ कमी कोताही रह जाए तो उसकी वजह से हम ओवरलुक नहीं कर सकते उन कुर्बानियों को जो कि इस डिपार्टमेंट ने दी हैं।
اور آج نا ایک ایسی ہی چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے. پاکستان پولیس کا بڑا اہم کردار رہا ہے پچھلے دنوں میں, جبکہ انہوں نے بہت ساری یہ دھماکے, دہشت گردی, بہت سارے روزانہ کی جو دہشت گردیاں گھروں میں ہوتی ہیں, چوری, لوٹ مار, ڈکیتیاں, انسانی جانوں کو تحفظ دینا, بچوں کو, خواتین کو, سو اس میں ان کا ایک اہم کردار ہے جو انہوں نے ادا کی ہے. اور پچھلے دنوں ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی دفعہ پولیس کے شہداء کا دن بڑے بھرپور طور پہ منایا گیا ہے. سو آج ہم اس کو کنٹریبیوشن پیش کریں گے. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک فلم بنی ہے جس میں کہ پولیس کے کردار, ان کی زندگی اور اس کو فوکس کیا گیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ شہید وہ بھی ہیں جنہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, لیکن وہ بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں, وہ بھی اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے اس کو کس طرح سے دوسروں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کی زندگیوں کو, ان کی خوشیوں کو, ان کے امن و امان کو, ان کی حفاظت کو. سو ایک تو یہ بات ہوگی, اور فلم کا نام کوئی اگر گیس کر کے مجھے بتا دے تو میں مان جاؤں گی کہ اس کو بڑی, وہ اس کو بہت دنیا کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں علم ہے اور اسے آگاہ ہے, اسے اندازہ ہے. کوئی ہے جسے اندازہ ہو کہ کیا نام ہوگا فلم کا؟ ہاں کوئی گیس ہی کر رہے تو کم مار دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان پولیس کے شہداء, پاکستان پولیس کی کانٹریبیوشن کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے اس فلم میں. کیا نام ہے فلم کا؟ ہاں کوئی اندازہ کس طرح کا نام ہونا چاہیے؟ میں اچھا ہنٹس دیتی ہوں آپ کو, یہ بہت سارے لوگوں کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے. اکثر آپ سیلیبریٹی سے پوچھیں اور بہت سارے لوگوں سے پوچھیں کہ کھانے میں کیا چیز پسند ہے, تو یہ ایک نام جو ہے یہ تقریباً ہر ایک لیتا ہے. آپ بتائیں, اونچا بولیے گا. دال چاول. جی تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے فلم دال چاول کی کاسٹ سے, اور جب اس کی کاسٹ کی بات ہوتی ہے تو فلم میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. ایک ہماری بہت ٹیلنٹیڈ سنگر جن کے بہت سے خوبصورت گانے آپ نے سنے ہوئے, اور اس فلم میں بھی ان کی آواز شامل ہے. سو ان کے ساتھ ہم شروع کریں گے, اور میں یہاں پہ انوائٹ کر رہی ہوں سحر گل کو. رہی ہے فلم دال چاول میں. ہاں آپ نے بھی تو اس میں نہیں, لیکن آپ کی آواز ہماری اس ہیروئن کے اوپر مختلف انداز میں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آواز اور ان کی شکل و صورت کا کوئی تال میل, کوئی کنیکشن ہے. اچھا جی ہم نے ایک بریک کے لیے رکنا ہے, اور بریک کے بعد ہم پھر آپ سے مل رہے ہیں. خوش آمدید. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ ہو جاتے ہیں لیٹ, اور جب ہو جاتے ہیں لیٹ تو پھر ہمارے پاس نہیں پہنچتے ٹائم سے, اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی لیٹ ہو, پھر ہم کیا کہتے ہیں, او ہے نا. سو وی آر ویٹنگ کہ ہماری جو فلم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ آئیں, تو ان کے بارے میں کوئی بات چیت جو ہے وہ کی جا سکے. آپ لیٹ ہوتی ہیں کانسرٹس پہ؟ بالکل بھی نہیں, میں بہت پنکچوئل ہوں اس معاملے. آپ ہو یا آپ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتی ہیں؟ کیوں آپ کیوں پنکچوئل ہو؟ اگر کلچر ایسا ہو کہ آپ نے لیٹ آنا ہے اور آپ کے لیٹ آنے میں ہی آپ کا وہ ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ایک اچھے آرٹسٹ کی یہ پہچان ہوتی ہے. آئی تھنک جو میں جن کو فالو کرتی ہوں, میں نے ان میں یہی چیز دیکھی ہے کہ وہ ان کا فرسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ پنکچوئل ہوتے ہیں. اسی سے آپ سب کو امپریس کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی آپ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. امپریشن کون آپ کا, کس سے آپ انسپریشن ہے آپ کی ان پاکستان کہیں پہ بھی؟ ہاں میل میں نصرت علی خان سر, اینڈ فیمیل آبدہ پروین. جو فیمیل آبدہ پروین, دونوں وہ ہیں جو کہ بہت ڈفرینٹ جانرا کے میوزک اس میں کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان دونوں کے انداز میں گاتی ہیں؟ نہیں. تو آپ کا انداز کہاں سے آیا؟ میرا انداز بول کفارا سے ہے. مجھے اس سانگ سے پتہ چلا کہ میرا ایکچولی میرا جو اسٹائل ہے وہ یہ ہے, ورنہ میں اپنے آپ کو ورڈ اسٹائل اور باقی جانراز کی طرح سمجھتی تھی. لیکن جو عوام کو پسند آتا ہے آپ کو, آئی تھنک اسی کو چوز کرنا چاہیے, اسی پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تو آپ اب اس کے ساتھ اسٹک کرو گی؟ یا کس کس نے بول کفارا سنا ہوا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں؟ آئی تھنک ان کو آواز نہیں آ رہی. بول کفارا کس کس نے سنا ہوا ہے؟ بول کفارا گانا ہے نا, وہ پیچھے آواز چلی گئی, ان کو سمجھ آئے گی آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوا, یہ بس ایک مارننگ شو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں نا. اچھا جی ہمارے آج کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ایسی فلم جس میں پاکستان پولیس اور اس کے کردار اینڈ کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور اس فلم کے ہیرو کو ہم یہاں پہ بلائیں گے. پلیز ویلکم احمد سفیان.
How's life? Yeah, it's going good. अच्छा good. तो आप ये दाल चावल फिल्म है, इसमें आपका क्या किरदार है और कैसा है ये? दाल चावल फिल्म में मेरा किरदार, उस फिल्म में भी मेरा नाम अहमद ही है. अच्छा. और गांव का लड़का है लेकिन इंजीनियर है. अच्छा. और उसकी उसकी माँ का ख्वाब है कि लड़का एक ऑफिसर बने, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो लाहौर में आता है, और उसको पता लगता है कि इतना आसान नहीं है, पर्दे के पीछे की हकीकत और दुनिया कुछ और ही है. अच्छा, तो वो माँ की ख्वाब पूरा करने के लिए लाहौर आता है. जी. इंजीनियर है, पुलिस कहाँ से आ जाती है बीच में, उसको पुलिस पकड़ लेती है या वो क्या होता है? हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा आंसर है. ठीक है. बिल्कुल. तो वो उन्हीं चक्कर में उसी सारे मसाइल में फंस जाता है, और वो फिर आपको बाकी सब कुछ अब फिल्में देखने के लिए मिलेगा, सारा खुलासा यहाँ नहीं कर सकते. वेरी गुड. लेकिन ये आपका पहला स्क्रीन पे काम है? हाँ, स्क्रीन पे पहले मैंने किया है, मैंने प्राइवेट चैनल्स भी हैं उन पे भी काम किया, और हमारा पीटीवी उस पे भी, वहाँ स्टार्ट मैंने पीटीवी से किया था. ठीक है. और थिएटर किया ड्रामेटिक्स यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसके बाद फॉरन ऑडिशंस हुए इस फिल्म के. ये बड़ी बात है कि मैं ऑडिशंस के थ्रू आया हूँ, कोई पर्ची मेरा शोबिज़ से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी फैमिली का या कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं था. जो हमारे प्रोड्यूसर अकबर नासिर खान साहब, उन्होंने ऑडिशन हुए थे वहाँ पे, 28 लड़के थे, उनमें से मेरी सिलेक्शन हुई थी. ठीक है. और अब जब आप फिल्म में आओगे तो जो लोग आपको देख रहे हैं, ये सारी लड़कियाँ, इन्हें आप अगर कन्विंस करो कि ये फिल्म क्यों देखें, तो उसमें क्या है? देखें, हमारा जो हमसाया मुल्क है वो पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाता है. ठीक है. हम लोग उसको देखते हैं, उससे देखने को ही प्रमोशन कहते हैं. हम बाद में ये बात करते हैं कि यार इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ एक फिल्म बनाई और गलत बनाई, लेकिन हम उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी कहते थे यार डायरेक्शन तो अच्छी थी. हाँ. वो गलत है, उससे हम अपने मुल्क का खुद ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देते हैं. तो जब कोई ऐसी फिल्म आए जो आपके मुल्क के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकती है, तो आपका भी फर्ज बनता है, आप उसको जाकर देखें, उसको प्रमोट करें, उसको पूरी दुनिया को बताएं कि नहीं नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान आज अपने कदम पर खड़ा है, ठीक है ना, तो इसके पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ना होगी इंशाल्लाह. ये है पाकिस्तान. जब आप लोग फिल्म देखने जाते हैं तो क्या चीज अहम होती है जिसकी वजह से फिल्म देखते हैं, क्या चीज तय करती है कि यार ये फिल्म देखनी है? हाँ, एक्टिंग, एक्ट्रेसेस. आप लोगों के पास माइक है ताकि आपकी आवाज है वो मुझ तक आ सके और हम आपस में बात कर सकें. जी, जिनके पास है वो माइक में बोल के बताएंगी. जी, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है कि ये फिल्म देखनी है? जो एक्टर्स हैं वो हम उनको देखते हैं कि वो अच्छे होते हैं तो हम फिल्म देखने जाते हैं. एक्टर्स अच्छे हो तो हम फिल्म देखने जाते हैं. और अच्छे एक्टर्स कौन होते हैं? अच्छे एक्टर्स तो काफी हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में. बिल्कुल, बहुत सारे, हर एक्टर बहुत अच्छा है. हाँ. अपने अपने रोल में, अपने अपने अंदाज स्टाइल है. अच्छा, साथ इनको दीजिएगा. जी, आप क्यों फिल्म देखने जाती हैं? एक्टिंग अच्छी होती है उन लोगों की. एक्टिंग अच्छी होती है तब आप देखने जाती हैं. जी, आप क्यों फिल्म देखती हैं और कौन सी फिल्म देखती हैं? एक्ट्रेस की एक्टिंग और पाकिस्तान के बारे में जो पॉजिटिविटी उस मूवी में होती है उसको फिर आप जाएंगी देखने के लिए. बिल्कुल सही. जी, आप फिल्म किस लिए देखती हैं? एक्ट्रेसेस के लिए. हाँ, एक्ट्रेसेस के लिए जितनी प्यारी होती है. एक्ट्रेस जितनी प्यारी होगी उसके लिए आप फिल्म देखने जाएंगे. देख लें, एक्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि उसके मुताबिक हम मूवी देखते हैं. एक्टर्स के मुताबिक फिल्म देखी. अच्छा, ये अब अंडरस्टूड बात होगी कि एक्टर्स इम्पोर्टेंट होंगे. इसके अलावा कोई और बात है तो वो भी बताएं कि एक्टर्स के अलावा और क्या फिल्म में होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग फिल्म देखेंगे. कोई स्टोरी होनी चाहिए मूवी की, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए. किस तरह की स्टोरी अच्छी लगती है? काफी डिफरेंट होती हैं, यानी कि जो अच्छी हो. लव स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर. लव स्टोरी, एक्शन. लव स्टोरी, एक्शन, इस तरह की फिल्म हो तो वो अच्छी लगेगी आपको. सरगुल, आप कौन सी फिल्म देखती हैं? हॉरर. क्या जिसमें एक बदरू आ रही हो? या अच्छा, और वो हॉरर देख के तो आप डर लगता है पर फिर भी देखती हूँ, मजा. हॉरर देखने का शौकीन कौन कौन है यहाँ पे? फीमेल ज्यादा होती है. वेरी गुड. ये तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉरर याफ्ता हैं. अच्छा, तो हॉरर देख के आराम से फिर नींद आ जाती है. हाँ. आपको अहमद खुद किस तरह की फिल्म्स और किस तरह की चीजें पसंद है?
मुझे लगा एक्टर्स अच्छे हों, एक्टिंग अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो। किसी भी हिट प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसका कंटेंट अच्छा हो। जैसे एक सिंगर के लिए ज़रूरी है कि उसके लिरिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और बोल कफारा की कामयाबी यही है कि वो लिखा भी बहुत अच्छा गया और गाया भी बहुत अच्छा गया। तो इसी तरह मैं पहले कोशिश करता हूँ मुझे पता लगे दोस्तों से कि नहीं यार ये फिल्म जो है इस बेस पे बनी है या इसके पीछे क्या एक थीम है, क्या सोच है, विजन क्या है, उस हिसाब से मूवी देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि इसमें एक्टर कौन है। अगर ये बात होती तो कोई बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं वो एक्टर बन ही ना पाते या हीरो बन ना पाते या हीरोइंस ना हो पाती। जब एक मैसेज होता है ना एक पीछे अच्छा, और हमारी फिल्म की खूबसूरती भी यही है कि इसका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, इसकी लिखाई बहुत अच्छी है, और तभी हम आज ये फील करते हैं कि हमारे कंधों पर ना जिम्मेदारी डाली गई कि नहीं पाकिस्तान। आपका प्रोमो चलते हुए देख रही हूँ, आपकी इंस्पिरेशन कौन है, मतलब किसको आपको लगता है अपने आप को देखे कि शायद मैं उसकी तरह एक्टिंग करता हूँ या उसकी तरह दिखता हूँ या उसको मुझे बहुत पसंद है तो मैं शायद मुझे तो लगता है अहमद कि आपके अंदर होस्ट भी है। होस्ट? हाँ। हाँ, पता नहीं, ये मुझे भी एक और शो में पता लगा है। हाँ? एक और शो में भी पता लगा है। हाँ। कैसे? हम हदीका कैनी साहब के शो पे थे तो वो मुझे कहती है यार तुम कितने चिट्टी बेटर हो। मतलब कि मैं कहता हूँ कि आपको बोलना चाहिए, ठीक है, अगर ऑडियंस सामने बैठी है तो ज़रूरी नहीं है कि होस्ट पे जिम्मेदारी आ जाए। जी वो लोग कहेंगे जी होस्ट के मुझे ही करना पड़ा जो भी करना पड़ा, आर्टिस्ट ने तो कुछ भी नहीं किया, उनके पास तो चार लाइंस थी और बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी। नहीं नहीं, जब हम बैठ जाते हैं तो हम एक फैमिली बन जाते हैं। इस टाइम ये सारी फैमिली है, चाहे वो कैमरे के पीछे हो या कैमरे के सामने हो या फिर होस्ट के सामने हो, है ना। मेरा ख्याल है किसी भी खातून के साथ बैठ करना तो नहीं। आप ज्यादा बोलते हैं या वो खातून ज्यादा बोलती हैं? कि कहते हैं ना लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, किन किन को लगता है कि यार लड़कियां बहुत बोलती हैं? जहाँ दो लड़कियां बैठी हो वहाँ खामोशी नहीं हो सकती। हाँ लगता है बाकियों को नहीं लगता, बाकियों को नहीं लगता कि खवातीन बोलती हैं। अच्छा मुझे बताओ ये जो लड़कियां जिनसे जब सवाल किया जाता है और वो ऐसे एक दूसरे की तरफ देखती हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है? Sometimes होता है सडनली नहीं समझ लग रही होती कि वो क्या बात कर रही है, ठीक है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अच्छा फिर बताइए कि आपको लगता है कि खवातीन ज्यादा बोलती? डेफिनेटली यहाँ पर तो मुझे बोलती नजर नहीं आ रही, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही लड़का है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए जब बात अच्छी हो ना तो बोलनी चाहिए। ऐसा कि जो है वो खवातीन ज्यादा बोलती है ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद बैक टू यू के माशाल्लाह से जितनी अच्छी आप बातें करते हैं और जितनी आप बातें करते हैं घर में भी मुझे लगता है ज्यादा आप बातें करते हैं। नहीं जब अच्छा बोलने के लिए होता है मैं तभी बोलता हूँ, और ना बुरा सुनने का आदी हूँ ना बुरा बोलता हूँ। अच्छा बिल्कुल। तो घर में आपके जो है मतलब चूंकि हम जानना चाहते हैं अपने एक्टर को कौन है, कहाँ से आया, कैसे यहाँ तक पहुँचा है। मैंने आपको पहले बताया मैं वैसे स्कॉलरशिप होल्डर हूँ अपने FSC लेवल तक। और ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और आफ्टर इंजीनियरिंग फौरन एक मुझे पता लगा कि फिल्म के ऑडिशंस हो रहे हैं और ये फिल्म दाल चावल अंदर कहीं कोई एक्टर नहीं था कभी? नहीं नहीं नहीं, एक्टर शुरू से था। अच्छा। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे और मैं खुद भी चाहता था कि नहीं पहले एजुकेशन में अपनी कंप्लीट करूं, मेरी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए। अपनी मुझे याद है कि कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा भी इवेंट नहीं था जहां मैंने पार्टिसिपेट ना किया हो, इवन के होस्टिंग भी कर रहा हूं साथ एक्टिंग भी कर रहा हूं, बीच में प्ले भी आके कर गए, मैं डांस भी आके कर गए हम लोग, डांस भी मतलब कि सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। क्या बात। और फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि GPA मैटर करता है बहुत ज़्यादा, वरना पीछे रह जाओगे। तो 3 साल मैंने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आखिरी साल मैंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी मैंने प्रोफेशनली दूसरी एजेंसीज में जाके टॉकीज की। आसान नहीं था सफ़र यहाँ तक पहुँचना, बहुत बातें सुनना भी पड़ी जो स्ट्रगलिंग होती है ठोकरें खा खा कर ही। ठीक। अच्छा अब आपकी हीरोइन चूँकि तशरीफ़ ले आई हैं तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी हीरोइन को खुद एज होस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके बुलाएं इनको। देखिए जी आपके सामने तशरीफ लाने जा रही हैं आप सबकी फेवरेट और मेरी तो वो फेवरेट हो चुकी हैं मोमिना इकबाल। हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। इतना लेट मोमिना, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि मोमिना कब आएंगी, कब आएंगी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, तशरीफ रखिएगा। कैसा लग रहा है भाई फिल्म आपकी आ रही है? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि APlus पे मोमिना ने एक बड़ी अच्छी मॉडल के रूप में शुरू किया था, एंट्री एंड स्टार्ट जो है वो मॉडलिंग से ही है, और उसके बाद फिर अब
फाइनली फिल्म जी माशाल्लाह ग्रेट. अच्छा अब आपने इस हमें अहमद ने तो बहुत बताया फिल्म के बारे में लेकिन अब आपने हमें थोड़ा सा बताना है क्या है इस फिल्म में. कहते बहुत बोलते हैं ये बहुत बोलते हैं वाकई बहुत बोलते हैं आफ्टर फिल्म और ये मजेदार बातें करते हैं आपको कभी बोर नहीं होने देता है ना. मैं वाकई बहुत एंजॉय करती हूं बहुत फ्लुएंटली बोलने में लगा मैं ये बहुत अच्छा ना. आपने क्यों इस फिल्म में काम किया क्या अच्छा लगा आपको इस फिल्म में. इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी स्ट्रॉन्ग थी और ऐसा करेक्टर अभी तक पाकिस्तान में किसी भी हीरोइन ने नहीं किया है एज एन ऑफिसर एक यूनिफॉर्म पहनना और उसकी आपको पता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप एक यूनिफॉर्म कैरी करें हर वक्त सेट पर भी वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड सी होती है कि आपने कभी वो फील नहीं किया होता यूनिफॉर्म पहन के आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं आप अपने मुल्क को मतलब उस पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं. वो वाली फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा कि यार ये परफेक्ट रोल है. अच्छा इसका मतलब है कि इस फिल्म में चोर सिपाही की जो कहानी है वो उल्टी है. मैं इनका कैदी हूँ यहाँ पर आप सिपाही हैं और ये चोर हैं है ना ऐसा ही है. मुझे कुछ आई कैन मेक आउट यानी यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ और आप इनको पकड़ने में लगी नहीं ये तो बड़ा चलाक चोर होगा इतनी बहुत चलाक इतनी पकड़ा जाएगा बिल्कुल सही. कंटिन्यू करेंगे लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि दाल चावल एक ऐसी फिल्म है जो कि पाकिस्तान पुलिस की कॉन्ट्रीब्यूशन उसके किरदार को हाईलाइट करने के लिए बनाई गई है और बहुत जल्द ये सिनेमाज में आ भी रही है. 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज में इंशाल्लाह. सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आप इस फिल्म के बारे में मजीद जान सकते हैं. दाल चावल हमारी एक ऐसी फिल्म जिसमें पाकिस्तान पुलिस के किरदार को हाईलाइट किया गया उसके हीरो हीरोइन हमारे पास हैं. हमारे पास मोमना है हमारे पास अहमद है जरा यहाँ पे आइएगा ठीक है. बहुत सारे लोगों का फेवरेट खाना जो है वो दाल चावल होता है. आपके ख्याल में फिल्म का नाम दाल चावल क्यों है मोमना. ये अहमद बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करता है क्योंकि सब पूछते हैं तब इसको आदत होगी बताने की कि हमने दाल चावल क्यों. पहले आप बताओ. बेसिकली ये सिंबल है पुअरनेस का गरीबी का कि जो लोग दो वक्त की रोटी कमाते हैं वो किस सिनेरियो से होकर गुजरते हैं दिन में ये इसका सिंबल है. जी अहमद दाल चावल हमारी मूवी का नाम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को या हमें या आपको कि जिनकी ख्वाहिशात या ख्वाब इस कदर बुलंद नहीं है कि वो सोचें कि हमें बड़े बड़े महल चाहिए या हम ब्रांड कॉन्शियस हैं या सामने फास्ट फूड होना चाहिए. जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि अगर हम दिन में दो वक्त की रोटी चाहे वो दाल और चावल की शक्ल में ही क्यों ना हो वो कमा कर लें उसी में हम खुश हैं. और एक्चुअली हर कोई यहाँ पर क्यों मौजूद है अपने अपने दाल चावल के लिए तो है इसलिए. वाह वाह वाह. तो अगर मैं कहूँ कि अहमद आप यहाँ दाल चावल के लिए हो. बिल्कुल मैं यहाँ पर दाल चावल के लिए हूँ और अहमद तो दाल चावल के लिए ही है ना और मोमिना भी दाल चावल के लिए यहाँ पर. अच्छा अब आपके सामने दाल चावल है. पहले मोमिना आपने क्योंकि अहमद को देख के वरना आप सीख लेंगी. आपने दाल चावल बेचने एक्चुअली आपकी दाल चावल की आप समझे एक रेड़ी एक स्टॉल है और आप या मैं तो खरीदूंगा तुम बेचो. हाँ, आप वो बेच रही हैं. किस तरह बेचने तुम मुझे बताओ. किस तरह बेचेंगे तुम्हारे उधर क्या ठेले पे कितने पैसों की बेचते थे तुम. ये देखें ये मैं अभी बताऊं. अच्छा कोई खरीदने ही नहीं आएगा तो आ जाएंगे आ जाएंगे. शहर शहर खरीदने आओ मेरे से. शहर खरीदने आप भी मैं आपका फैन हूं मेरे से खरीदेंगे आप भी आ जाइए. बुकिंग पहले कर चुका हूं. अब आपके पास ये दो यहां पे इस वक्त ग्राहक मौजूद हैं आपने इनको इंस्पायर करना है मोमिना और फिर अहमद ने और ये तय करेंगे कि किससे ये मुतासिर हुए किसके ठेले पे जाकर ये दाल चावल खाने वाले. इससे उड़ जाएंगे. मैं तो रेडी लगूंगा मुझे ट्रेनिंग है. जी आप हमारे दाल चावल खा के देखें आपको इससे अच्छे दाल चावल कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. कहीं पर भी नहीं मिले पक्का. अच्छा आप इसको एक बार ट्राई करके देखें. ओके फिर आप मुझे बताइएगा इसमें कितना नमक कितनी मिर्च है. बहुत मजेदार है आप खा कर देखें. ओके तो लेट्स स्टार्ट. हाँ प्लीज प्लीज. तुमने इतनी जल्दी चख भी लिया. हाँ दूसरे स्टॉल में तो गई नहीं है तुम. हाँ हाँ नाश्ता तो देखा ही नहीं. आप खा के देखे आपने ऐसे दाल चावल कहीं नहीं खाए होंगे. आप मुफ्त में ही नहीं खिला रही. नहीं वो मुझे पैसे दे देंगी ना बाद में. बाद में अच्छा ठीक है पहले आप उन्हें खिला. मैं कन्विंस कर रही हूँ उनको. कैसे हैं
अमेजिंग. थैंक यू सो मच. आपको पसंद आया? फैसला इस बात पे होना है, फैसला बाद में होना है. हाँ, फैसला इस बात पे होना है कि अहमद अब कितनी अच्छी दाल चावल बेचते हैं. चले अब अहमद का स्टॉल है दाल चावल का, और अहमद आपने बेचनी है. हाँ जी भाई, कौन खाना जाएगा? दाल चावल, फिल्मी दाल चावल, फिल्मी दाल चावल. मैडम जी इधर आए, आपने खा ली बस? इधर आए आप, वहाँ पे क्या खड़ी है? मेरे हाथ की दाल चावल खा कर देखे, मैं उठा के रखूंगा. आप प्राइस क्या? पहले आप इसकी कोई प्राइस नहीं, पहले आप चखे. सही, वाह. अच्छा भाई, और भी कोई आना चाहे? आजे 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 आजे. दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, फिल्मी दाल चावल, फिल्मी दाल चावल, फिल्मी दाल चावल. अच्छे अच्छे, और कोई चखना चाहिए? आजो 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 आजो, जुड़ 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 आजो आजो बेटा. अच्छा, मेरा ख्याल है कि भाई वाह क्या बात है, हमारी दाल चावल बिक जाएगी इंशाल्लाह. अच्छा, आपने यहाँ पे दाल चावल बेच लिए, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी. इसका मतलब है अहमद, जो आपको कहते हैं ना कि आपकी कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इमरान अशरफ से मिलता है, बिल्कुल सही कहते हैं. आप में कुछ आप में झलक है, आपके ख्याल में वो क्या चीज है? मेरे ख्याल से वो ये है कि जो भी करना है ना, खुल के करना है. वो भी करते हैं ना एक्टिंग, जैसे वही नहीं देखते कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बुरा दिख रहा हूँ, या मुंह ऐसे करना है या आवाज चेंज करनी है. वो इस चीज की परवाह नहीं करते. और एक्टर वो ही है जो ये ना सोचे कि मेरी ड्रेसिंग कैसी है या मेरा मुंह कैसा जा रहा है. अगर आप वाकई परफॉर्मर हैं तो आप फिर उस करेक्टर को अपने अंदर डाले. अभी मैंने इसे करने से पहले मैंने उधर फील किया कि रेडी पे खड़ा इंसान कैसे कन्विंस करता है अपनी ऑडियंस को. वो ऐसे ही करता है, वो नहीं रुकता. उसको बेचने हैं, उसको ये रेडी खाली करके जानी है. हाँ, और यही दाल चावल है. अच्छा, ये आप गली में से गुजर रहे हो, गली में से गुजर रहे हो, आवाज कैसे लगाओगे कि वो खातून जो घर में काम कर रही है वो देखे कि दाल चावल वाला आया है? छड़ दे झाड़ू पोछा, आइयो बाहर आ गए. वेरी गुड. ये तो मेरा ख्याल है ये कोई भी काम करेगा तो ये कर लेगा. देख लेंगे एक, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात. और इसका मतलब ये है कि अब हम अपने जो आर्टिस्ट हैं, जो दाल चावल के हमारे हीरो हीरोइन हैं, जिनकी फिल्म आप देखने वाले हैं, उनको मिल रहे हैं और हम उनको डिस्कवर कर रहे हैं. मोमिना, हर काम हमने आपसे पहले शुरू करना है. प्लीज आप यहाँ पर आएंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि होगा क्या. जी, ये फ्रेम है आपका. हाँ. आपका टिकटॉक जो है वो बन रहा है. हाँ. एक गाना, एक डायलॉग, एक सिचुएशन चलेगी और आपने उस पर टिकटॉक बनाना है. और उसके बाद अहमद की बारी आएगी. हाँ. और हमारी ऑडियंस ये डिसाइड करेगी कि आपको हीरो ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि हीरोइन ज्यादा पसंद आ रही है. ठीक है, चले. और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, है ना, टिकटॉक में. हाँ, लेकिन टिकटॉक में एक्सप्रेशन के अलावा भी कुछ और होता है. आप क्या क्या करती हो टिकटॉक में? नहीं, एक्सप्रेशन के अलावा कुछ डायलॉग्स होते हैं उनमें, आपके स्ट्रॉन्ग वाले और ज्यादा एक्सप्रेशन आते हैं. ये तो सॉन्ग था ना, और अभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो मेरे से वो सैड वाले ना वो एक्सप्रेशन नहीं निकल रहे थे जैसे हमने ओएसटी में किया हुआ. ऐसा चलाओ कि जिसके ऊपर मोमिना जो है ना वो अच्छे वाला, आर्टिस्ट वाला, तेज वाला, कुछ एक्टिव वाला. चले, इसकी बारी मुझे पता है अच्छा ही लगेगा. नहीं, मुझे लग रहा है मेरी बारी कुछ भी नहीं लगेगा. मुझे खुद ही करना पड़ेगा. आप टिकटॉकर हो? हाँ, 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 अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम बातें करें, बारी आई अहमद की. जाओ. चले. क्या बात है अहमद, वाकई आप तो बिल्कुल भी नहीं सकते. एक गाना और. हाँ, कोई अच्छा लगे यार. लेकिन किस तरह का गाना होना चाहिए? कोई भी. अच्छा चले, मैं टिकटॉकर्स के लिए ना कुछ देता हूँ. मेरा इसी फिल्म से रिलेटेड कुछ डायलॉग्स हैं. ठीक है, मैं कुछ चीजें बेचने लगा. फंबल हो सकता हूँ, सॉरी. हाँ जी, पाण जी, आज चिकन कोते नाली मुखली चिकन मसाला फ्राई चिकन यारी बिंदनी मटन यारी चंडिया नचने चिकन 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 चारी दमदार मसालेदार धुआंदार अंडा धुंद अंडा परांठा मलाई मार के. हाँ, ये इसका बेस्ट है, बेस्ट. अच्छा, और ये क्या बेचा है अभी? ये मैंने सब कुछ बेच दिया. यकीनन सबके मुंह में पानी आया, भूख लगी आपके बच्चों को. वेरी गुड. अंडा, एक अंडा मुझे समझ आया. और क्या था? चिकन पावे, कोफ्ते, नान हली, मोत साली, चिकन फ्राई, मसाला फ्राई, चिकन यारी, बीफ यारी, मटन यारी, चने, अंडा चने, चिकन चारी, दमदार मसालेदार धुआंदार अंडा धुंध मलाई मार. वाओ, एकदम अभी
वेरिएशन के साथ करते हैं गुस्से में। आई जी चिकना करते नाली मुक्सर चिकना पिसाल मेरे चिकनरी बीने मटनरी चन्ने डजने चिकन चने चिकन डम डम थलते धुआं दर अंडा धुन्ना अंडा परांठा है मलाई बार क्या अहमद मेरी बात सुनो कहाँ वेटर रहे हैं आप? मैं कहीं वेटर नहीं रहा लेकिन मेरी फिल्म ने मेरे दिल में इतना जज्बा पैदा कर दिया है कि इंशाल्लाह हम इस चीज़ को इतना प्रमोट करेंगे कि गवर्नमेंट मजबूर हो इन ठेले वालों को एक अच्छी जगह देने के लिए, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि वो एक दाल चावल की रेडी इस तरह लगाए। हर चीज़ का मेयार एक लेवल होना चाहिए और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ये मैसेज देंगे। क्यों देंगे ना आप? जरूर। गुड, एक और आपके लिए टिकटॉक गाना आ रहा है, उसमें देखते हैं कि अहमद क्या करते हैं। चलें जी। मोमिन आइएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसी फिल्म में आ जाएं, कि आपको हमारी हीरोइन मोमिना जैसे दाल चावल आप जाएंगी देखने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे यार, आपकी अपनी पाकिस्तान की हीरोइन है। और जिन लोगों का ख्याल है कि वो अहमद की वजह से जाएंगे। दीदी मोमिना आई, थैंक यू वेरी मच। ये आप जेलस हुई अपने हीरो से? नहीं, इसके साथ मुझे बहुत खुशी इस बंदी की मुझे इतनी सपोर्ट रही है। मुझे नहीं लुक के बारे में पता था, ड्रेसिंग के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि परफॉर्म कैसे करते हैं। Exactly. और मुझे सिर्फ डायलॉग्स याद होते थे, उनको बताना होता था कि चांद कभी अकेला नहीं निकलता, हमेशा सितारे उसके साथ होते हैं। और ये नोटिस करती थी कि बाल कहाँ जा रहे हैं, मेकअप ठीक है, ऐसा ये डायलॉग क्या था? डायलॉग दोबारा पोजीशन लाइन थी, ये चांद अकेला खूबसूरत लगता है ना। हाँ, चांद कभी अकेला नहीं निकलता, हमेशा सितारे इसके साथ। हमारी फिल्म का डायलॉग कर देती थी आगे से। नहीं, सही, ब्यूटीफुल। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आप मजीद जानेंगे दाल चावल के बारे में। खुशामदीद, आज हम दाल चावल की बात कर रहे हैं और अहमद से पहली मुलाकात हुई है। मोमिना से मैंने आपको बताया APlus के हवाले से हमारी पुरानी मुलाकात, हमारे ड्रामे सीरियल इश्क में काफिर में भी आपने, और आवाज़ जो है वो हमारी सहरगुल की थी, और गाना आपके ऊपर आज मैं दोनों गाने में चलाऊंगी और हम आपके साथ देखेंगे कि आप उस पर कैसे एक्सप्रेशन देती हैं। मगर अहमद आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्द आप किसी ऐसे प्ले में जरूर आएंगे जिसमें एक बड़ा भाई जो है वो इमरान अशरफ हो और छोटा ये हो और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हों। यार आपका दिल नहीं करता ऐसी बात पे क्लैप करने के लिए? इसका मतलब आपका दिल करता है कि ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सीनियर से कहीं भी सीखने का मौका मिले और ऐसे सीनियर जो सच में एक्टर हैं, तो ऐसा मौका हर परफॉर्मर को चाहिए और मुझे भी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हीरोइन कौन सी है जिसके साथ आप लुक फॉरवर्ड टू वर्क? यही है, यही कर तो लिया है मोमिना के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई और जिनके साथ आगे मुस्तकबिल में आप सोचते हैं कि यार इसके साथ हम सलमान हमारी अच्छी वली जो हम दोनों जहाँ पर भी जाए ना, बस हम कहते हैं कि हमारी सबसे फेवरेट वही है, सबसे फेवरेट सबा कमर। सबा कमर, आप सबा कमर के साथ एक्ट करना है, क्या परफॉर्म करती हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। परफॉर्मर हीरोइन पाकिस्तान में उनसे बढ़कर अभी somebody has have to prove कि वो उनसे बेहतर कर सकता है। जो कहीं और जाकर ये मनवाएं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट आपके आर्टिस्ट से कम नहीं है, उससे क्या बड़ी बात हो सकती है? क्या बात है यार, अहमद के लिए तालियां होनी चाहिए। सहर, अब आपका गाया हुआ गाना है जो बहुत हिट है, बोल कफारा, और चेहरा आपका था, ठीक है। अब आपने यही समझना है कि गाना शूट हो रहा है, आप लोग इसको ऐसे देखेंगे कि गाना शूट कैसे होता है। आवाज सहरगुल की है, एक्ट उस पे जो है मोमिना कर रही है। सो लेट्स वॉच एंड एंजॉय। अहमद भाई क्या बात है, यू आर सच एन इंटेंस एक्टर। वो मैं कैमरे पे तो देख ही नहीं रही थी, कैमरा तो टीयर्स चेक कर रहे उनके आंसू और सारा के सारे एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मतलब ये पांच तीन चार मिनट का जो पूरा गाना है, सिक्स मिनट्स का, ओ माय गॉड, इतना लंबा इंटेंस स्पेल, ये इसने तो मत मार दी होगी मोमिना, जिस तरह की एक्टिंग करता दिखाई दे रहा है। इसको मेरे भी डायलॉग्स याद होते थे सेट पर, है ना, इसको सबके होते थे, हम लोग कहते थे अच्छा ठीक है अहमद याद होंगे, हमें भी याद होगी, हमें याद करवा के बाहर लेकर आता था। इतनी ठंड थी और
हम फील करते थे लेकिन हमारे आंसू ना ऐसे हवा चलती थी ड्राई हो जाते थे. आपा कहती हैं अगर अब तुम लोगों ने मजाक के अलावा तुम लोगों ने कोई हरकत की मैं उठ के चपेड़े मारूंगी. रो तुम लोगों को रोना क्यों नहीं आ रहा. और हमारे मेरे और जेब के आंसू आते थे और गायब हो जाते थे पता नहीं किधर. बहुत मुश्किल हुई थी. रोना भी आ रहा था लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे उस टाइम पे. तुम भी थी है ना जब हम लोग उधर कर रहे थे हिरन मना. मगर रेखी ने अब बताएं किसके लिए फिल्म देखने जाएंगे, हीरोइन के लिए या हीरो के लिए? हीरो दिल जीतता जा रहा है लोगों के. हालांकि अहमद मुश्किल होता है भाई एकदम से आके एक ऐसे बंदे के लिए जो ज्यादा शनासा ना हो. आप दोनों ही अभी अपनी जगह बना रहे. लेकिन मोमना ने कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं तो कभी चैलेंज फील किया कि यार मैंने अभी नया हूँ? मुझे यकीन है कि मेरी रब की जात ने मुझ में कोई कमी नहीं रखी तो मैं किसी से क्यों डरूं, क्यों घबराऊं, किस चीज़ की परेशानी हो. जब अल्लाह ने यहाँ भेजा तो उसने मुझे कबूल कर लिया था मेरे वजूद को कि मैंने बनाया है और मैं यहाँ भेजूंगा तो लोगों को तो कबूल करना ही पड़ेगा. वाह अच्छी बात है, खूबसूरत बात है. अरे मम्मा यू आर वेरी प्रिटी. क्या क्या फील होता है इसका इसका एहसास ना कि आई एम वेरी प्रिटी? नहीं मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ. इवन मैं मुझे कोई कहते तो मुझे लगता है हाँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ तो इसीलिए किसी ने कह दिया. लेकिन मुझे पर्सनली इतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर कि मैं बहुत कोई प्यारी हूँ. बस ठीक है सबके साथ लेकिन कभी खुद पे नहीं ऐसे लगा कि वेरी प्रीटी. और मोमना का ऐसा रहा है कि हम सुनते हैं कि हीरोइंस बहुत टाइम लेती है मेकअप करने में और जितनी देर में मेरे बाल बनते थे उतनी देर में मोमना का मेकअप होता था और ये सेट पर इतना कम मेकअप ये करती है. ठीक है. अच्छा एक और गाना है जो ए प्लस का ड्रामा सीरियल था उसमें आपके ऊपर वो भी पिक्चराइज हुआ था ना. अच्छा आप गाना म्यूट पे क्यों परफॉर्म कर रही? अब जो गाना परफॉर्म करना है ना वो आपने आपने बिल्कुल नहीं, हमें ये ना लगे कि सहर गुल गा रही है जैसे आपके ऊपर. अच्छा, आपने अच्छा, अच्छा, नहीं करना, आपने उसको उसको वर्बलाइज भी करना है, बोलना भी. और हम इंजॉय कर रहे हैं. बात आज इन लोगों को, इन आर्टिस्टों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि एक फिल्म जो कि बनाई गई है पाकिस्तान पुलिस के किरदार को प्रमोट करने के लिए. स्टोरी हम हाईलाइट नहीं कर रहे अभी तो सिर्फ आर्टिस्ट आपसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. स्टोरी और कहानी जो है वो आप जाकर जान सकेंगे 4 अक्टूबर को सिनेमाज में जब ये फिल्म जो है पाकिस्तान पुलिस के हीरोज उनकी लाइफ उनकी स्ट्रगल उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर आपके सामने आएगी. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एफर्ट. इसे कि पहली दफ़ा ये होगा कि एक ऐसी सर्विसेज जो कि अमूमन इतनी नहीं जिसके बारे में बात करते उसके किरदार को भी हाईलाइट जो है वो करवाया गया. अच्छा अब वो इश्क में काफिर ये तो अपनी होम प्रोडक्शन है प्लस. हाँ इश्क में काफिर हमारा ड्रामा सीरियल ए प्लस का, सहर गुल की आवाज और मोमिना का अंदाज. नहीं 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 बस आप ही करें कुछ. नहीं क्या बात है तुम लोग क्या चीज हो, रो भी रहे हो एक्ट भी कर रहे हो एक गाने के अंदर. इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. इट्स नॉट इजी जो ये कर रहे हैं. और अहमद मतलब लड़का या लड़की क्या हो गया है? इट्स अमेजिंग जो आप लोग कर रहे हो. आप आपको तो रीटेक्स नहीं होती होंगी मेरा ख्याल. नहीं बिल्कुल ही नहीं होती रीटेक्स, बिल्कुल ही नहीं होती. इसने इसने दो गानों में आपके सामने पूरे का पूरा एक ड्रामा प्रेजेंट कर दिया है कि एक सिचुएशन में ये है कि जब ये उसको मना रहा है और दूसरे में उससे रिएक्ट किया उसके मुताबिक कि अब वो उससे बिल्कुल वो कह रहा है कि तुम जिम्मेदार हो मेरी सारी, तुमने मुझे इस उस पर ला के खड़ा किया है. और उससे अपने एक्सप्रेशन के जरिए से वो पूरी की पूरी जो कहानी है हैट्स ऑफ टू अमेजिंग अमेजिंग हमारे जो कि दाल चावल फिल्म के साथ 4 अक्टूबर को आ रहे हैं सिनेमास पे. आपने जरूर देखनी है इनकी केमिस्ट्री क्योंकि फिल्म के बारे में हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान पुलिस के शहदा उनके हीरोज उनकी लाइफ स्ट्रगल्स उनकी फैमिलीज उनकी कहानियाँ जो हैं उनके अक्कासी आपके सामने करेगी. किस दर्जे ये लोग उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं यू मस्ट सी इट. और इसके बाद अपने आपने कमेंट्स भी देने. सो ब्रेक के लिए रुकेंगे. वो सब लोग जो कि जानना चाहते हैं उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा, कौन कौन यहाँ पे जानना चाहता है सन साइंस के बारे में, सामिया खान में ज्वाइन करिए हमारी मुल्क की मारूफ एस्ट्रोलॉजर और वो आपको बताएंगी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा. It's
خوش آمدید. آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا رہے گا, کیسے ٹائم گزرے گا, یہ بتانے کے لیے سامیہ خان میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم سامیہ, کیسی ہیں؟ بہت پیاری لگ. نہ کریں آج تو میں اتنا کانشیس ہوں کہ میک اپ نہیں ٹھیک ہے, بال نہیں ٹھیک ہے, ساری چیزیں نہیں ٹھیک ہیں, ساری چیزیں پرفیکٹ لگ. اچھا ہیڈ ٹو ٹو آل ماشاءاللہ, تھینک یو. بس اب سیٹسفائیڈ ہوں. اچھا سامیہ جی جی, دال چاول 4 اکتوبر. بڑا ویسے یونیک نام ہے, آئیڈیا کس کا تھا یہ؟ آئیڈیا کس کا تھا بھائی؟ یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں جو رائٹر بھی ہیں اس فلم کے, میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں, کاسٹنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, سانگ بھی انہوں نے لکھے ہیں, مطلب کہ کیپٹن ہماری شپ کے وہی ہیں. ایکچولی وہ میری تو زندگی دال چاول ہے, آپ یقین کریں. ہاں جی, میں دال چاول کے ساتھ زندگی گزار دی ہے اور گزار باقی بھی گزر ہی جائے گی. ایک بات کہوں, ہم سب کی زندگی ایکچولی ہے ہی دال چاول کے لیے. یہ تو آپ نے بڑا فلسفیکل جملہ بول دیا, میں تو کھانے کے معاملے میں بھی میں وہ بھی سمجھ گیا تھا آپ کی بات. اچھا مومنہ, اسے مومنہ کے لیے سوال ہے, احمد بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانی, ٹھیک ہے؟ اور مومنہ نقل بھی نہیں اس سے مارنے کے لیے. مومنہ ٹپیکل جیسے ایگزام میں سوال ہو تو دوستوں کے نہیں کہتے مومنہ, اسے مومنہ دال سے بننے والے کوئی 3 محاورے بتا دو جس میں دال آتا ہوں. لفظ دال, دال میں کچھ کالا ہے, دال میں کچھ کالا ہے. اور نہیں پوری دال ہی کالی ہے. نہیں اس کے علاوہ اور دوسرا محاورہ, دو سے بھی گزارا کر لیں گے ہم. دوسرا اور تو کبھی نہیں سنا ہے. بہت ہیں یار, دو آ رہے ہیں بڑے زبردست قسم کے. دال میں کچھ کالا ہے مومنہ نے کہا, کسی اور کو آتا ہے دال کا کوئی اور محاورہ جس میں دال استعمال ہوتی ہو؟ ہاں جی, مائک پہ بتائیے گا پلیز. مائک کن کے پاس ہے؟ گھر کی مرغی دال برابر, ویری گڈ. کچھ اور, کوئی اور محاورہ؟ یہ ویسے میں اتنے دن سے بول رہی ہوں. کوئی اور محاورہ, کچھ اور. اچھا احمد ابا بول سکتے ہیں؟ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں, آپ نے مجھے چپ کروا دیا. نہیں اب تو میں آپ کو بولنے کے لیے کہہ رہی ہوں, نقل نہیں کرا رہی, آپ بولو. نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن ہاں میں یہ منہ اور مسور کی دال, کتنا مشہور واقعی ذہن میں. یہ دال نہیں گل رہی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ کالے میں کہیں تھوڑی سی دال ہے, دال میں کچھ کالا نہیں ہے. یہ تو دال چاول آپ کی بڑی زبردست ہے. احمد نے بڑا یونیک سا سٹون پہنا ہوا ہے. احمد یہ کیا چیز ہے؟ کسی نے مجھے بڑے ہی پیار سے دیا اور میں نے اس کو بڑی محبت سے پہنا. نہیں کون, کسی پیار والی نے یا کسی بابے نے؟ بابے نے, بابوں کو نا ڈونٹ بلیو. اچھا پیار والی نے دیا ہے. اچھا پیار والی نے دیا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یا علی یا حسین. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو میں نے اس پتھر کی وجہ سے نہیں, ان ناموں کی. جس نے بھی دیے واقعی پیار سے دیے اور آپ کی انگلی میں جچ رہا ہے, آئی کیچنگ ہے. اچھا سامع جی ہم شروع کریں گے کہ یہ ہارسکوپ ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ والا ہفتہ ہے ناظرین 23 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر, مطلب ہم سپٹمبر کو کلوز کر دیں گے آج کے ہارسکوپ میں جو ہے. اور سب سے پہلے ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں, آپ سوائے 27 اور 28 سپٹمبر لاک کر دیجئے. یہ دو دن اپنا اپنے خیال رکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی صحت سے ریلیٹڈ ایشو یا ورک لوڈ یہاں پہ آپ کو پریشان نہ کرے. باقی آپ کی ساری ڈیٹس ٹھیک ہیں. جن کی شادیاں اس وقت ہو رہی ہیں بڑا اچھا ٹائم ہے جن ایریز کی, جو ایریز آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں بڑا وہ کوزی فیل کریں گے اس وقت. ماشاء اللہ ریلیشن شپ میں کوزینس کے جو ستارے ہیں وہ بڑے برائٹ جا رہے ہیں. دوسرا اب آپ کا بزنس اتنی ہے کہ کوزینس نہ ہو, چل ہو تو زیادہ مزہ رہے گا. چلنس ہو, ہاں چل میں رہے نا سارے دوست. اچھا دوسرا جو ایریز کے ساتھ گڈ لک کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے کیسز ہیں سپوزنگلی کوئی نیب اکاؤنٹیبلٹی میں ہے تو کیس آپ کی فیور میں چلا جائے گا. کوئی فیم کے لیے کوششیں, کوئی روحانی سفر لائک زیارت عمرہ حج کچھ بھی انشاءاللہ آپ پلان کریں, قسمت آپ کا ساتھ دے گی. ایریز اس وقت تو آپ بہت بیسٹ ٹائم فریم میں ہیں, 23 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر, صرف 27 اور 28 کی ڈیٹس میں اپنا خیال بہت رکھیے گا ہیلتھ کے ریگارڈنگ ایشوز میں. اگلا ستارہ آ گیا ٹورس یعنی کہ برج سوٹ. آپ 23 تاریخ سے 28 تاریخ تک ستارے کی ساری پوزیشن ٹھیک ہے. صرف اندرون ملک اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے
तो कभी कभार खैरात सदका दे के घर से निकलिएगा। 29 और 30 की दो तारीखों में आपके काम से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप किसी नई जॉब की कोशिश में हैं या अपने एग्जिस्टिंग करियर में जान मार रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या नई अपॉर्चुनिटी काम की आपको मिल सकती है। अब पहले मैंने बहुत डराया है जो टॉरस स्टूडेंट्स थे, अब माशाल्लाह आपको कि आप हार्डवर्क करें, अब कुछ लक भी आपका साथ देगी। तो अब आप अपनी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो बेहतर टाइम में आ गए हैं। जो काम आपने करने हैं वीज़ा रिलेटेड, जिस भी काम में डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, अब आप उसकी बिस्मिल्लाह करें। अब उस काम में सितारे की आसानियाँ हैं और माली वसाइल की कोशिश करें। कमेटी है, लॉटरी लगी है या प्राइज बॉन्ड, अल्लाह पाक कहीं से भी कोई करम आप पे कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस में कोई रिकवरी है तो भी अल्लाह मेहरबानी करेंगे। अगला सितारा आ गया जेमिनाय यानी कि बुर्ज जौजा। 23 और 24 की तारीखों में कोई माली मसला हल होना चाहिए आपका। इसी तरह 25 से 30 तारीख तक सितारे की पोजीशन फैमिली हाउस में, लव लाइफ में, बच्चों के मामलात में आपकी सपोर्ट में है। रिलेशनशिप आपके फेवर में जाएंगे, चाहे वो अज़दवाजी हैं या कारोबारी हैं। और अब अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं जेमिनाइज, अब वो मुनासिब वक्त है कि अब आपको लो प्राइस पे या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अपनी चीज़ की बेहतर प्राइस भी मिल जाएगी या बेहतर कोई सौदा आपका डन हो जाएगा। अगला सितारा आ गया जी कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। ऑल्दो कि आपका जो रिलेशनशिप हाउस है, वो कहते हैं ना वेंटिलेटर से तो उतर गया है, लेकिन इम्यून सिस्टम अभी कमज़ोर है कि अभी भी कोई भी जरासीम अटैक ना करें, तो अभी भी विजडम की ज़रूरत है। हाँ, ब्रेकअप का ख़तरा टल गया अब आपका। मैं बार बार कह रही थी कि जिनके ब्रेकअप हो गए वो उस रिलेशन पर इन्ना लिल्ला पड़ें और आगे मूव ऑन करें, क्योंकि आपको आपके साथ सबसे अच्छी गुड लक है कि 3 महीने के बाद ही नया रिलेशनशिप आपको सपोर्ट करने जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा देर सिंगल नहीं रहेंगे। तो जो और जो जिनके रिलेशन बच गए हैं, अब पार्टनर आपको समझ जाएगा या रिश्ता एक सेफ जोन में आपका एंटर हो जाएगा। इस हफ्ते की सारी डेट्स ठीक है। 25 और 26 की तारीखों में कहीं से पैसे आने की खबर आपका मूड अच्छा करेगी। घर के लोग या घर का सुख, घर को रीडू करना या घर चेंज करना, ये सारी चीज़ें इस वक्त फेवर में जा रही हैं आपकी। और जॉब हाउस सबसे अच्छा जा रहा है, प्लीज़ कोशिश कीजिए। और जो है हेल्थ हाउस भी, हाँ मोटापा जल्दी आ सकता है कैंसेरियंस, उसके लिए ज़रा विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, 23 और 24 स्लो डेज हैं, प्लीज़ ज़रूर सदका दे दीजिएगा। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 25 से मूव होने वाले सितारे आपकी फेवर में हैं। 27 और 28 को कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे भी कहीं से आ सकते हैं। 29 और 30 की डेट्स में अगर सफ़र करना पड़ता है रिश्तेदारों से मिलने की गर्ज से, उसमें भी सितारा आपकी फेवर में है। लव लाइफ में सितारा बहुत अच्छा है, औलाद की खुशी मिल सकती है, औलाद नरीना की खुशी भी आपको मिल सकती है। हेल्थ और जॉब पहले की नस्बत अब आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। अगला सितारा वर्गो, नो ब्रेक यानी बुर्ज सुंबला। अच्छा जी, सुंबला वाले जो हैं 23, 24, 25 और 26 के जो 4 दिन हैं, अपना मूड स्विंग्स, अपना सदका ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ सितारा यहाँ पे परेशान कर सकता है। 27 सितंबर से शुरू होने वाले दिन आपकी फेवर में जाते हैं। 29 और 30 को इस वक्त सितारे अगर सपोर्ट करेंगे तो पैसा आने में, अब आपने हिम्मत खुद करनी है, सितारा तो सिर्फ खबर दे सकता है ना। मैं बार बार कहती हूँ मनोसलवा का ज़माना सदियों पहले ख़त्म हो गया, तो अपनी कोशिश कीजिए अपनी रिकवरीज की, अपने पैसों के लिए, क्योंकि इस वक्त सितारों की सपोर्ट से मसाइल हल होंगे। घर की तरफ से इत्मीनान इंशाल्लाह रहेगा। जो जिनके यहाँ पे भी कहूँगी, जो वर्गोज जिनके ब्रेकअप से जो बच गए हैं, अब उनके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। और जो जिन ख़वातीन ने कंसीव किया हुआ है बच्चों को, और वो इस वक्त जो है, पहले मैं उनको डरा रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जो है वो उस ख़तरे वाली लाइन से बाहर हैं, तो अब सितारा वहाँ पे सपोर्टिव है आपके लिए। अब इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम आपको ब्रेक देंगे, ठीक है। मुमिना, इतना आप जैसे कहते ना लाइव रोई हो, ये कैसे मतलब कैसे कर लेती हो? टाइम लगता है, लेकिन आप जब इमोशंस में आते हैं, आप फील करते हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो फिर हो जाता है, आप रो सकते हैं। ठीक है। और अहमद, आप भी इसी तरह
बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको अपनी रूह निकाल कर बाहर फेंकनी पड़ती है, और जो डिमांड है ना उस गाने की या उस परफॉर्मेंस की, वो भी किरदार है ना, जो बता रहा है कि किरदार है क्या एक्चुअली इस गाने के हिसाब से या इस परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपको वो रूह चुन कर अंदर डालनी। स्टार्स क्या हैं आप लोग? मेरा लिब्रा। लिब्रा आपका भी गुजर गया? नहीं, आपका आने वाला है, लिब्रा का आने वाला है ना? लिब्रा का आने वाला है। लेकिन ब्रेक पहले ले रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। खुश आमदीद, एक तो आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान पुलिस के किरदार के ऊपर, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी किसी ने जो है इस टॉपिक को इतना अहम समझा है कि फिल्म बनाई गई है, और दूसरी ये कि मुझे वाकई आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुमना एक तो ए प्लस की जिसे कहते हैं ए प्लस का चेहरा है ये, मुमना को ए प्लस ने इंट्रोड्यूस करवाया मीडिया इंडस्ट्री में। सी वी टेक प्राइड इन जब हमारे आर्टिस्ट जो है फ्लरिश करते हैं और वो आते हैं, और अहमद आपने तो आज के शो में हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे यकीन है मुझ समेत सारी खवातीन जो हैं वो वुड लव टू वॉच यू मोर ऑन स्क्रीन। ना सिर्फ ये दाल चावल देखने जाएंगे हम लोग, बल्कि 4 अक्टूबर को मिस नहीं करना आपने, और उसके साथ साथ घरों पर ड्रामे का भी इंतजार करेंगे। लेकिन अभी आपका स्टार आ गया है और उसके बाद सामिया हमें बताएंगे। लिब्रा बुर्ज मीज़ान, हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे जब मैं अपना हॉरोस्कोप सुनाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रा मेरे बड़े फेवरेट्स होते हैं, क्योंकि इनसे ज़िंदगी जीने का फ़न सीखना चाहिए। जो लिब्रा होते हैं ये धुएँ की तरह उड़ाते हैं, मतलब ये बहुत चिल लोग होते हैं। तो आप जो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान इस 23 और 24 जो है करियर में जो लोग बिजनेस में हैं बहुत सोच समझ के, क्योंकि अभी भी एक सितारा स्विंग्स कर रहा है और आपको कहीं किसी सिचुएशन में फंसा ना दे जो लोग बिजनेस में हैं। इसी तरह 25, 26, 27 और 28 खास तौर पे अब गाड़ी के मामले में मोहतात रहिएगा, अपनी मूवमेंट्स तेज तेज चलते हुए या सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए बहुत ध्यान कीजिएगा। इन 4 डेट्स में अपनी बहुत एहतियात कीजिएगा। 29 सितंबर से फिर आपका सितारा एक सेफ जोन में जाता है। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी एक कॉन्फिडेंस देती हुई नजर आ रही है आपको, इंशाल्लाह रिलेशनशिप में भी सुकून रहेगा। और सबसे जो अच्छी बात है, जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं या शहर बदलना चाहते हैं बेस्ट टाइम है, जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं बेस्ट टाइम है, जो आपके होमलैंड का एरिया है, जो आपके ब्लड रिलेशंस जो हैं वहाँ पे, जो पिछले कुछ 6 माह में खराबियाँ रही थी अब वहाँ पे सितारा बेहतर हो गया है। अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुध सेजिटेरियस 23 से लेके 26 तारीख तक सितंबर की 4 दिन आपकी सपोर्ट में चलेंगे। 27, 28, 29, 30 अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कभी कभी मूड स्विंग्स आपको इसमें अपसेट ना करें, क्योंकि सितारों का बोझ दिमाग के ऊपर ज़्यादा है। फाइनेंशली चीज़ें आसानियाँ पैदा करेंगी आपके लिए, जिन लोगों को जो लोग चाहते हैं कि उनकी नहीं उनकी मर्जी से, अभी कहते हैं ना स्टेशन मिल रहा है, करें जल्दी इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब मैं जिनको सुना रही हूँ उनको शायद समझ में आ जाए कि रिवॉर्ड जल्दी मिलने वाला है, इसलिए भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि साथ ही इंशाल्लाह दिसंबर ऑनवर्ड्स फिर आपको ये शिकवा तकदीर से खत्म। सबको पता चल गया कि किसको सुना रही हूँ, अब उन्होंने डायरेक्ट मुझे देख के कह दिया कि अब जो है ना वो सब ठीक हो। अगला सितारा आ गया सेजिटेरियस। शहर गुल आपका स्टार पहला जी सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस वाले जो लोग हैं, मैंने अक्सर मोमिना देखा है कि जो बेहतरीन आर्टिस्ट मैंने देखे हैं इंडस्ट्री में, जो मेरे जितने भी जो फ्रेंड्स आते हैं या एरीज होते हैं या सेजिटेरियस होते हैं, स्कॉर्पियन होते हैं। स्कॉर्पियंस एक्टिंग में यूं वो जरा और है, लेकिन जो मैंने भरमार देखी है वो ज्यादा सेजिटेरियंस की देखी है और एरीज की देखी है। हाँ अच्छा जी, बुर्ज कॉस वाले जो है 23 और 24 माली मामला से बहुत विजिलेंट रहिएगा सेजिटेरियंस। अनएक्सपेक्टेड अखराजात का लोड आपको बैलेंस आपका आउट कर सकता है, फिर आपको परेशानी ना हो। 25 से लेके फिर 30 तक सितारों की पोजीशन ठीक है, कोई डिज़ायर कोई होप पूरी होने को है और वो उसमें इंशाल्लाह जो भी आपकी ख्वाहिश स्ट्रॉन्ग अल्लाह मियाँ पूरी कर रहे हैं। क्या ख्वाहिश है भाई मुमना? माशाल्लाह दाल चावल ही इतना बिग ये हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है, 4 अक्टूबर का हम इंतजार कर रहे हैं। शुक्र करें कि सितारे 9 अक्टूबर तक सारे आपकी फेवर में, तो अच्छी खबर होनी चाहिए आपके लिए। करियर हाउस में भी सितारा ठीक चल रहा है। अगला सितारा कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जदी
23 और 24 जो रिलेशनशिप में डैमेजेस थे इसको वो रिपेयर करेंगे सितारे, तो आप भी इनको मौका दीजिए थोड़ा सा। खैर कैप्रिकॉर्नियंस बड़े अमन पसंद से लोग होते हैं, लेकिन मेरी बहुत सिंपथीज है कि इन्होंने बहुत भुगता है 2015 के बाद से, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये जल्दी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे नजर आने वाला है। 25 और 26 कोई बिल या अनएक्सपेक्टेड खर्चा अपसेट करेगा, लेकिन नहीं परेशान हो क्योंकि 27 से 30 सितंबर के दौरान फिर कुछ ऐसी चीज होगी करियर रिगार्डिंग कि ये सदमा आपको भूल जाएंगे। ओवरसीज ट्रिप अचानक आ सकता है, करियर बहुत सपोर्टिव है, उसमें अपनी कोशिश करते रहिए और सबसे बड़ी बात दुआएं मांगते रहिए, अभी भी आपकी दुआएं बहुत पूरी होंगी। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो 23 और 24 खास तौर पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, दिमाग पे ज़्यादा बोझ मत डालिए वरना फिजिकल हेल्थ या वर्क स्ट्रेस आपको परेशान करेगा। एक्वेरियंस फिर 25 से लेके 30 तारीख तक सितारा बिल्कुल ठीक है, एंड सितंबर अच्छा है, कोई ओवरसीज ट्रिप आ सकता है, किसी का नतीजा बहुत अच्छा आ सकता है पेपर्स का, कोई वीज़ा मसला हल हो सकता है, किसी के मुकदमे में एक सक्सेस भी मिल सकती है, दोस्तियां बहुत काम आएंगी। और एक्वेरियंस अपनी ख्वाहिशात की कोशिश करते रहिए, दुआ भी कीजिए, हो नहीं सकता कि ये वाला साल कोई रंग लगाए बगैर जाए। आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज पूत, लव लाइफ में अभी भी आप खतरे से बाहर नहीं हैं क्योंकि आपको मोहब्बत होती भी बहुत ज़ोर की है, तो प्लीज़ अभी भी अपने आप को संभाल के, वरना वो एक दफ़ा वो जो हम पिछले शो में डिस्कस कर रहे थे कि अन्य वहाँ वाली मोहब्बत जो है ना वो फिर अन्नी ना कर दे रुला रुला के, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। 25 और 26 हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा और इस सितंबर के एंड में पैसे इतने माशाल्लाह आते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह पाक बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे, वो गम भी तभी अच्छा मनाया जा सकता है जब जेब में पैसा हो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल गम भी गर्मी में बैठ के रोने से वो करियर कर लेंगे तो हम स्टार चेंज कर सकते हैं, वो पैसे आने हैं ना, हम दिसंबर वाला ले लेते हैं। मैम फिर आपका कौन सा? स्कॉर्पियन। अच्छा कैसा लगता है यार, आपके सामने मोमिना बैठी हुई है और मोमिना आपके सामने सहर गुल बैठी हुई है, सहर के दोनों गाने, एक तो वो ट्रैक इश्क में काफिर और दूसरा बोल कफारा आपके ऊपर पिक्चराइज में, कैसा लगता है इसकी आवाज मेरे लिए और आपको कि इनका चेहरा मेरी आवाज? मुझे तो लगता है कि मेरे लकी हैं, और मुझे भी लगता है ये क्योंकि जब हम सब बैठे हुए थे ये आई और मैं हम सारों ने देखा, हमने सलाम किया और हमने कहा बैठ जाओ, अब जेब और ये सारे जेब भी गा लेता है तो ये सारे कह रहे हैं यार गाना तो गाओ जरा, मतलब उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये बच्ची है भी, मतलब क्या ये इसने गाना गाया, नहीं नहीं इसने गाना नहीं गाया होगा, ये वाला इसने लाइव, मतलब बैठे बैठे हम सारे बैठे हुए थे, जाना मलिक थी, किरण आप थी, हम सारे सब इसने भी शुरू किया और हम सारों के मुँह ऐसे खुल गए, कल इंशाल्लाह हम वो सब लोग जो कि चाहते हैं कि आपका पर्सनल जो है इश्यूज एड्रेस किए जाएं, अगर अभी तक नहीं भेजा है तो भर दें हमारे फैन पेज को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश, वक्त पैदाइश और तारीख पैदाइश बस, और वो भी एग्जैक्ट वाली, शनाख्ती कार्ड पे अक्सर लोग आगे पीछे लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, असल वाली जो है वो हमें भेज दें ताकि हम आपका कल मुकम्मल जो डेटा है वो शेयर करके आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया अहमद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बार मैंने आपसे कहा कि मैं जरूर करना चाहूँगा, दाल चावल कभी भी मुमकिन ना हो पाता हमारी टीम के बगैर, जैसे आपका शो नहीं हो पाएगा आपकी टीम के बगैर, बिल्कुल, जिसमें हमारे डायरेक्टर हैं वैस खालिद, डीओपी काशिफ बिजी, अली फवाद भाई, अलीम भाई, कामरान, इरफान, जितनी प्रमोशन चल रही हैं या हमें यहाँ तक लाने वाले ये लोग हैं, इन्हीं की वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे साथ आप भी उनके लिए क्लैप कीजिएगा। इस फिल्म के जो डीओपी हैं और जो डायरेक्टर हैं अवैस और काशिफ दोनों ए प्लस से ताल्लुक उनका रहा है, एक लंबे अरसे तक उन्होंने डेब्यू शुरू ए प्लस से किया था, बहुत सारे ए प्लस के लिए काम किया, तो वही बात है, वी टेक प्राइड इन आर आर्टिस्ट के जब आप लोग सेल करते हैं, और विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि जब हम देखते हैं ना किसी भी पुलिस ऑफिसर को तो हम बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं, जितने मुश्किल हालात में, जितने महदूद वसाइल में, जितनी मुश्किल तरीन कॉम को हैंडल करती है ना पुलिस, इसलिए कि एक डायरेक्ट जो होता है ना, जिसे कहना चाहिए जो गद्दार है या जो आपके मुल्क का इतना मुखलिस नहीं है, दुश्मन है, उससे लड़ना आसान है, किसी अपने से
जो अंदर से ठीक ना हो उसके साथ डील करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है और पुलिस उस मुश्किल को हैंडल करती है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो कि ये काम कर रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग बहुत अच्छा से कर सके एंड आई विश कि आप लोगों की फिल्म जो है ये हाईलाइट कर सके उनके इश्यूज को उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उनकी कुर्बानियों को. बिल्कुल सही. तो मैंने वाइंड अप करना है और कुछ आप सुनाना चाहेंगे बताना चाहेंगे कुछ आप कहना चाहेंगे मजीद अहमद मोमना के लिए क्या चले मोमना के लिए प्लीज क्लैप उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. बिल्कुल सही. नहीं इनका मेन्यू का दिल आया मैं भी. किस पे मेन्यू आपका जो आपने अभी नहीं वो पूरी एक लिस्ट सुनाई खाने की उसको भूख लगी तो बार बार हो सकती है तो वो उसी चक्कर में है कि मुझे मेरे कान में मुसलसल क्या है. लेकिन जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूंगा मोमना के लिए मैं आगे नहीं जा सकती. ये दफा हो जाओ जल्दी से. चलें थोड़ा सा मोमना के लिए उसके बाद वो भी. ये तो दिस इज नॉट फेयर. क्या प्यार करने कि वाली किसी और से लेके आप पहन ले और गाने किसी और को सुनाते रहे. ये प्यार करने वाली मेरी माँ थी जिसने मुझे अंगूठी बनाई. रैप कर दी मेरी माँ थी. माँ मैंने नहीं क्लियर किया प्यार करने वाली माँ से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है. बिल्कुल वंडरफुल टू हैव यू. और अब नईम का फेवरेट मैच अच्छा. उसको सुना. ये कंडीशन ऐसी है कि दो एक वेटर और एक लड़की आए और वो वेटर को बुलाता है. वेटर हाँ जी भाई जी खाने में क्या है. हाँ जी खाने में चिकन कॉफ देना मुख्य चिकन मसाला फ्रेश चिकन बिरयानी मटन हरी चने चने चिकन चने चिकन चारी दमदार मसालेदार धुआंदार अंडा धुना अंडा क्रैक्टर भाई साहब. On this note, we leave you. अपना ख्याल रखिएगा. Have a wonderful day ahead and don't miss 4 अक्टूबर को दाल चावल जिसके खूबसूरत हीरो हीरोइन से आज आपकी मुलाकात हुई है. जाते जाते सहरगुल की खूबसूरत आवाज और have fun. अल्लाह हाफिज़.